जोधपुर की सेंट्रल जेल में यौन शोषण के मामले में बंद आशाराम बापू का कल कोर्ट में फैसला आने वाला है। इसी के मद्देनजर रखते हुए इंदौर पुलिस ने खंडवा रोड स्थित आसाराम बापू आश्रम पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर बड़ा फैसले के बाद किसी तरह का उपद्रव अनुयायियों द्वारा ना हो, शहर की शांति भंग ना हो, इसको देखते हुए डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र सभी थाना प्रभारी सहित ने रिजर्व बल को वहां तैनात सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए बाबा राम रहीम के दौरान काफी विवाद हुआ था जिसमें राजस्व का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं मीडिया के वाहन भी फूंक दिए गए थे। इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे मामले में पुलिस ने उस इलाके में पुलिस को सतर्क किया है, विशेष सुरक्षा बढ़ाई गई है। बहरहाल अभी तक पुलिस के पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है इस तरह के कोई विवाद या किसी तरह समस्या होने की, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे भावनात्मक स्थितियां पैदा होती हैं और इस तरह की पुलिस को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस ने उस इलाके में सतर्कता बढ़ाई है और पुलिस बल को भी सतर्क किया है।